हेलो एवरीवन, मैं गौरव बोध आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एंटरप्रेन्योर साइंस क्विज सॉल्यूशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम आपके साथ में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून का जो एग्ज़ाम 21 तारीख को देहरादून में हुआ था उसका आंसर की आपके साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि इस पेपर में निगेटिव मार्किंग थी 0.25 की, और इसमें जो चार अलग अलग पार्ट्स दिए गए थे वो थे लाइब्रेरी साइंस का सेक्शन ए, सेक्शन बी जनरल अवेयरनेस एंड इंटेलिजेंस, सेक्शन सी था जो मैथमेटिक्स के लिए था बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स, सेक्शन डी था बेसिक। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है विच वन इज द इलेक्ट्रॉनिक जनरल मैनेजमेंट सिस्टम, इसका आंसर है दोस्तों डबलिन कोर। सेकेंड क्वेश्चन है सैंड ओएस, ये क्या है? ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है। थर्ड क्वेश्चन है टर्म प्रीनेटल कैटलॉगिंग, प्रीनेटल कैटलॉगिंग जो दी थी डॉक्टर SR रंगनाथन ने दी थी। दोस्तों, मैंने आंसर्स को हाईलाइट किया हुआ है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, आप अपना आंसर मैच करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों देखिए, फोर्टन बेसिक और कोबॉल ये कंप्यूटर लैंग्वेज हैं जिससे कोडिंग वगैरह की जाती है, लेकिन ASCII जो है ये कोडिंग स्टैंडर्ड है, तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5 द टर्म साइबर स्पेस वाज फर्स्ट यूज किसके द्वारा की गई थी, ये थी विलियम गिब्सन। सिक्स्थ क्वेश्चन है नेशनल फॉरेस्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इज लोकेटेड एट, दोस्तों ये देहरादून में है, तो इसका आंसर है बी। राष्ट्रीय वन पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र कहाँ स्थित है, देहरादून में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 जीरो बेस बजटिंग सिस्टम वाज प्रोपाउंडेड बाई, शून्य बेस बजट प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तावित था, ये था पीटर फेयर के द्वारा, आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 8 है हु कैटेगराइज डॉक्यूमेंट्स इंटू 3 टाइप सच ए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, दोस्तों इसका नाम है ग्रोगन, जिन्होंने इनको 3 उसमें विभाजित किया था या वर्गीकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पोस्ट ग्री SQL, ये दोस्तों ओपन सोर्स RDB में रिलेशन बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 10 है अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय, तो इसका आंसर है दोस्तों होल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन अलोंग विद अब्स्ट्रैक्ट ऑफ आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 11 इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म ट्रंकेशन इज यूज, ट्रंकेशन जो यूज होती है दोस्तों ये है खोज सूत्रीकरण सर्च फॉर्मुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 12 है फॉर्म्स ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज, विस्तार सेवा के रूप, ये तीनों प्रकार के हैं दोस्तों, इसका आंसर है डी, ये सभी कैटेगरी में आएंगे ऑल। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेकेंडरी सोर्स, तो इसमें दोस्तों थेसिस जो है इसका आंसर है, द्वितीयक सोर्स नहीं है। 14 जो क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ TCMI डबलिन कोर मेटा डेटा इनिशिएटिव्स, तो इसमें जो 15 इसके होते हैं दोस्तों मेटा डेटा के एलिमेंट होते हैं उसमें ऑथर नहीं होता है, कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर्मेट और डिस्क्रिप्शन होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑथर है। क्वेश्चन नंबर 15 अपूपा हु प्रोपोनेंट अपूटा रेजिमेंट, ये दोस्तों इंडिया में दिया गया था डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 द नंबर ऑफ कैनन्स फॉर वर्बल प्लेन, इसका आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 17 रेफरेंस सर्विस इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर एंड द राइट बुक इन द राइट पर्सनल वे वॉज स्टेटेड बाय डॉक्टर SR रंगनाथन, ये संदर्भ सेवा सही पाठक और सही पुस्तक के बीच व्यक्तिगत रूप के सटीक संपर्क हैं, इसके द्वारा कहा गया था दोस्तों SR रंगनाथन के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इज अप्रूव्ड बाय, ये दोस्तों MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा अप्रूव होती है। क्वेश्चन नंबर 19 द लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन इज अ पार्ट ऑफ, तो इसका जो आंसर है दोस्तों बेसिक लॉ है। क्वेश्चन नंबर 20 द फर्स्ट एडिशन ऑफ UDC पब्लिश इन 1905 में UDC का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था, इसका आंसर 1905 है।
21 क्वेश्चन है, यूनिक्स इज अ, यूनिक्स क्या है? यूनिक्स है मल्टीपल मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसका आंसर होता है डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, विथ जनरेशन कंप्यूटर्स यूजेस इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी कौन से जनरेशन के कंप्यूटर यूज करते थे? वो थी तीसरी, थर्ड जनरेशन थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू इंफिनिट, इंफिनिट से कौन सा संबंधित नहीं है? तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, ये इससे संबंधित नहीं है। 24 है, पोस्ट कॉप इज रिलेटेड टू लाइब्रेरी ऑटोमेशन, पोस्ट कॉप जो है जो लूथर गुलिक ने दिया था दोस्तों, ये पोस्ट कॉप लाइब्रेरी ऑटोमेशन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन में पुस्तकालय प्रशासन में संबंधित किया जाता है, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन वाज LSLSH सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, ये 1923 में दी गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, विच इंडियन यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्टार्टेड एमएलएल एंड एमफिल कोर्सेज, तो दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो थी, इसने सबसे पहले एमफिल और एमलिप स्टार्ट की थी। 27 क्वेश्चन है, विच आर द फेसिट्स रिलेटिंग टू इन्फ्लिपनेट, तो ऑल द अबव का आंसर दोस्तों सभी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी ऑक्सिलरी टेबल्स आर देयर इन 23rd TDCA एडिशन, तो दोस्तों 6 जो टेबल वो थी टेबल इसमें थी, तो उसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 29, फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क फ्रेमवर, Z39.50 इसका आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, OAI-PMH स्टैंड्स फॉर, इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है ओपन आर्काइव इनिशिएटिव्स प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग, तो इसका जो आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, लाइब्रेरी इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन और इस्टेब्लिशमेंट चार्ज विद द केयर ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स, द ड्यूटी ऑफ मेकिंग दैम एक्सेसिबल टू दोज हु रिक्वायर द यूज ऑफ दैम एंड द टास्क ऑफ कन्वर्टिंग एवरी पर्सन इन द नेबरहुड इन टू अ हैबिचुअल लाइब्रेरी गोल्स एंड रीडर ऑफ बुक्स, ये जो कथन है ये डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने दिया था दोस्तों, तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 32, कैश SDI इंडेक्सिंग एंड अब्सट्रैक्टिंग एंड लिटरेचर सर्चिंग सर्विस जो होते हैं दोस्तों बिब्लियोग्राफिक सर्विस के अंदर आती हैं, तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, दोस्तों इसमें जो कौवा है वो सबसे अलग है, तो इसका आंसर कौवा है। 34, विच सर्विस डिमांड द क्रिएशन ऑफ यूजर प्रोफाइल सिलेक्टिव डिसिंग, क्वेश्चन नंबर 34, विच सर्विसेज डिमांड द क्रिएशन ऑफ अ यूजर प्रोफाइल, तो दोस्तों इसका आंसर है सी, SDI के अंदर ही हम यूजर प्रोफाइल को तैयार करते हैं। 35 क्वेश्चन है दोस्तों, फॉलोइंग इज नॉट अ वेब 2.0 टूल्स, तो उसमें ई शोध सिंधु जो है इसका आंसर है, बाकी सभी वेब 2.0 टूल्स के अंदर आते हैं, ब्लॉग फेसबुक और RSS फीड वगैरह। क्वेश्चन नंबर 35 है, ड्रूपल इज अ CMS है दोस्तों, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 37, पोस्ट कोर्स कौन बाई, दोस्तों मैंने पहले भी इसमें बताया था कि इसका आंसर ए है, लोथर गुलिक, इसने पोस्ट कोर्स को दिया था या स्किन के द्वारा कौन किया गया था ये। द ट्रम हाइपरटेक्स्ट वाज कोन बाई होम, बहुत आसान है दोस्तों, टैड नेल्सन फर्स्ट आंसर इसका। विच एसोसिएशन इन द इंडिया अवार्ड्स टीचर्स इन LIS, IATLIS इसका आंसर है दोस्तों पी। क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रम कम्युनिकेशन केम फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो इसका आंसर है लैटिन। दोस्तों इसके आगे है जनरल अवेयरनेस एंड इंटेलिजेंस, आप इनके आंसर मैच कर ली थी। 41 का जो आंसर है 135 है।
42 पी एम एस वी ए निधि स्टैंड फॉर इसका जो है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इसकी फुल फॉर्म है। 43 क्वेश्चन है वायरस आर्स नेम बेस्ड ऑन दिया जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट वैक्सीन एंड मेडिसिन वायरोलॉजिस्ट एंड वाइडर साइंटिफिक कम्युनिटी टू दिस वर्क एंड वायरसेज आर नेम्ड बाय द WHO आंसर इसका ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ये दो तो उसका रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर है ए क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों इसमें भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर बी है तो उसका जो आंसर आएगा वो बी आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46 चेक हाउ अ वैरायटी ऑफ ब्लैक राइस दैट रिसेंटली बैग द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज फाउंड इज विच स्टेट। दोस्तों ये जो चखाव है चावल की एक किस्म है जो मणिपुर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट द कॉज बाय अ वायरस। दोस्तों उसमें जो हेजा है कोलेरा ये वायरस के थ्रू नहीं फैलता है बाकी सब वायरस के द्वारा फैलते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मीटरोलॉजिकल साइंस टू मेजर द ह्यूमिडिटी और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इसका दोस्तों आंसर है हाइक्रोमीटर। 49 क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स इन यूनियन टेरिटरीज देर इन इंडिया इसका आंसर है दोस्तों बी 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। व्हाट कम नेक्स्ट का क्वेश्चन 50 है दोस्तों इसका आंसर है 252। 51 का आंसर है दोस्तों 17। क्वेश्चन नंबर 52 हाउ मेनी ट्राइंगल्स तो 14 ट्राइंगल्स हैं दोस्तों इसके अंदर। कंप्लीट द सीरीज श्रृंखला को पूरा करें तो इसका आंसर है दोस्तों 217। विच अमंग द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ रूट्स एंड फाउंड इन शुगर केन दोस्तों उसमें थोड़ा डाउट था तो ये है प्रोफ जड़ें और स्टेलिथ जड़ें तो इसका आंसर है प्रोफ रूट्स में आप डाल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 55 है हाउ मेनी टाइम्स डू टू हैंड द क्लॉक कंकोइन इन अ डे घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार आपस में मिलती हैं दोस्तों ये इसका आंसर है 22। वृंदावन गार्डन इज लोकेटेड मैसूर कर्नाटका। क्वेश्चन 57 विनर ऑफ IPL 2020 वॉज मुंबई इंडियंस। CSI इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजिकल IT-IB वॉज डेवलप विच ऑफ द किट्स एंड ऑल्सो पार्टनर्ड विद एन इंडियन कंपनी टू कमर्शलाइज इट इसका आंसर दोस्तों सेलुडा टेस्ट किट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 आइडेंटिफाई द फिगर एंड कंप्लीट द पैटर्न आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 60 फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर फ्रॉम अमंग द गिवन अल्टरनेटिव्स इसका जो आंसर है दोस्तों 2880 ऑप्शन सी। दोस्तों सेक्शन सी है जो ये है क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल जिसमें आप आंसर मैच कर दीजिएगा। 61 का आंसर है 23152.5 ये कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया था दोस्तों। 62 है हाफ परसेंटेज रिटर्न एज ए डेसिमल इज 0.005 इसका आंसर है दोस्तों। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है दोस्तों 14700 ऑप्शन डी। 64 पाइप एंड सर्टेन के से क्वेश्चन आया था इसका आंसर है 3 सही 9/17 घंटे आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 65 ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर है दोस्तों है 56.25। क्वेश्चन नंबर 66
द सम ऑफ फाइव प्राइम नंबर इज 18, आंसर है दोस्तों इसका 18। 67 है क्वेश्चन, ये लाभ हानि से लिया गया था, इसका जो आंसर है वो 30 है। क्वेश्चन 68, रेशो से जो क्वेश्चन लिया गया है इसका आंसर है 9:30 ऑन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69, ये भी टैंक पाइप द्वारा से लिया गया था दोस्तों, पाइप के क्वेश्चन थे, इसका आंसर है 35 आवर्स ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर है 40। क्वेश्चन नंबर 71 दोस्तों, इसका आंसर है 6000 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72, इसका जो आंसर है दोस्तों है 9600, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य है वो तो दोस्तों 9600 है। क्वेश्चन नंबर 73, ये औसत के क्वेश्चन से ले गए दोस्तों, इसका आंसर है 112 ऑप्शन डी, 112 कुल लड़कियों की संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 74, तो इसका आंसर है दोस्तों 3 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 5 बच्चों की उम्र का योग 50 वर्ष है, सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है, तो इसका आंसर है दोस्तों 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर है दोस्तों 1:3 ऑप्शन बी। अ बॉक्स हैज 210 कॉइंस दोस्तों, इसका आंसर है 78 ऑप्शन डी। 77 जो क्वेश्चन है दोस्तों एवरेज से लिया गया है, इसका आंसर है 37.5 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 54080 54080। क्वेश्चन नंबर 79, ये भी इंटरेस्ट से लिया गया है क्वेश्चन, इसका आंसर है 1380 रुपये 1380, इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, टू गेन 10% ऑन सेलिंग सैंपल ऑफ मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क, द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्स विद 50 kg ऑफ प्योर मिल्क इज 5 kg, तो बी 5 kg। ये है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन डी है, इसका जो 81 क्वेश्चन है इसका आंसर है कॉन्कॉर्डेंस का जो सिनोनिम्स है वो एग्रीमेंट है, 82 पैट्रोन का जो सिनोनिम्स है वन हु गिव्स इनकरेजमेंट, 83 मिलांगी का मेटले, 84 व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्स द क्लास स्टूडेंट ऑन द ब्लैक बोर्ड इसका आंसर डॉट वॉज राइटिंग, 85 सी वॉज वॉचिंग टी वी वैन हर हस्बेंड कैम इसका आंसर है दोस्तों बी, 86 ही सो मी बाय चांस एंड द का तो दोस्तों उसमें जो रखा जाएगा वो स्टॉप है आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 87, आई वॉज वॉचिंग टी वी वैन सी केम इन इसका आंसर है दोस्तों बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 और 89 मैंने खुद नहीं किए थे तो आप खुद देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 जो है, ही एडवाइज हिज एल्डेस्ट सन ऑफ ब्रेक द विंडो, आंसर है इसका बी, जब हम डार्क इन डार्क में बदलेंगे ब्रेक द विंडो ही सेड टू हिज एल्डेस्ट सन। 91 स्टॉप स्टेरिंग एट मी सी सेड, इसका जो आंसर है वो डी है, सी सेड दैट स्टॉप स्टेरिंग टू हर। नेक्स्ट है दोस्तों एक्टिव पैसिव वॉइस में बदलने के लिए तो है 92, दे से दैट वुमेन लिव लॉन्गर देन मैन, तो इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा देख मैन सेड दैट वुमेन लिव लॉन्गर देन देम। 93 क्वेश्चन है, आउट ऑफ
Our task had been completed before sunset. Answer is D. We had completed our task before sunset. Question number 94. We have already done the exercise. इसको जब हम active passive में change करेंगे तो exercise has already been done by us. Answer is इसका B. Correctly spelled word 95 question. तो इसका answer is C. C इसके spelling को pronunciation को उपयोग कर देता हूँ दोस्तों. DESCENDANTS. क्वेश्चन नंबर 96 ये भी करेक्टली स्पेल्ड पे है तो इसका भी जो वो स्पेलिंग है वो है RECOMMENDATION रिकमेंडेशन. क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों वो है आंसर बी RENAIS SSANCE. क्वेश्चन नंबर 98 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर है. वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड यह है इनकॉरिजिबल. 99 वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड उसे बोलते हैं फ्लानर थेरेपिस्ट. आंसर इसका बी. लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों द सेसेशन ऑफ वेलफेयर बिफोर सिंगिंग अ थ्रेटी इसका आंसर है ए आर्टिमिटिस. दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो. दोस्तों आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं. अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल और हमारे ब्लॉग को फॉलो करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से फॉलो कर सकते हैं जहाँ आपको LIS स्टडी मटेरियल UGC नेट और DSSP और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो अभी एग्ज़ाम निकले हैं उनके लिए डेटा फ्री में प्रोवाइड कराते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक यू सो मच.